गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको टिप्स दूंगी अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। अगर आप एक चैनल शुरू करना चाह रहे हो केपॉप के बारे में, या फिर आप कोरियन मिक्स के बारे में करना चाहते हो, चाहे वो इंग्लिश सॉन्ग के ऊपर हो या हिंदी सॉन्ग के ऊपर, तो आज मैं आपको टिप्स दूंगी उसके ऊपर। तो सबसे पहला टिप्स है, और टिप्स बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर देना, वीडियो को लास्ट तक देखना प्लीज़, ठीक है। और इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी, पहला टिप्स है आपका कॉपीराइट क्लेम, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन जैसे चैनलों के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो जैसे कॉपीराइट क्लेम आता है आपकी वीडियो पे, तो आपने ये नोटिस करा होगा, ये बहुत ज़्यादा लंबे सेगमेंट पे अगर आपको कट आप ट्रिम आउट करना चाहते हो सेगमेंट को, तो बहुत ज़्यादा सेगमेंट आता है ट्रिम करने के लिए। उसके अंदर मैं भी कुछ नहीं कर सकती और आप भी नहीं कर सकते, और आप अपनी वीडियो को डिलीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके चैनल पे सिर्फ वही वीडियो पॉपुलर हो रही है तो आप कैसे कर सकते हो वही चैनल को, आपने इतने मेहनत से लिए हैं व्यूज़। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक महीने पहले ही मैंने शुरू करा था यूट्यूब चैनल, और उस पर मैंने पानी दी गर्ल सॉन्ग डाला था, जिसके आप ये देख सकते हैं ये वाला सॉन्ग। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट था, तो मैंने सोचा क्यों ना बनाए, क्योंकि मुझे कोरियन कल्चर में और BTS में इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं वीडियोस। मेरे भाई ने सजेस्ट किया था कि आप बनाओ वीडियो, अगर आप इंटरेस्टेड हो कोरियन में, आपको अच्छे लगते हैं, तो आपका इसमें हो सकता है वीडियो फेमस। तो मैंने बनाया और खुद से एडिट करा था, पर मेरे भाई ने बताना भूल गया कि उसने जान पूछ के नहीं बताया कि उसमें कॉपीराइट क्लेम भी आता है। तो जब ये कॉपीराइट क्लेम आ गया था, तो तब मेरे थे 1.2 के, और अब मेरे इस वीडियो पे 4.1 के व्यूज़। और मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हुआ ये सब। तो और जैसी ये वीडियो फेमस हुई थी, तो मैंने सोचा मेरे को वो हुई थोड़ी एक्साइटमेंट हुई, मैंने और भी डालना शुरू करा। एक तो मैं वैसे अपने भाई को भाव नहीं देती कुछ, तो उसके बाद जब मैंने डाली थी, तो चाहे वो बताना भी चाह रहा हो, पर तब भी मैं उसको चुप करवा देती हूँ। तो उसके बाद जब मैंने बनाई थी, तो इसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ गया था। और जब मैंने 2-3 महीने तक तो बनाया नहीं, क्योंकि मुझे कॉपीराइट क्लेम का कुछ पता ही नहीं। तो मुझे लगे कॉपीराइट क्लेम होता है कि आपने कॉपीराइट क्लेम ले लिया है, मुझे ये नहीं पता था कि कॉपीराइट क्लेम होता है उन कंपनियों की, जो उन कंपनियों का आता है जिनका हम म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं, और उन्होंने वो कॉपी। तो फ्रेंड्स, जो ये कॉपीराइट ओनर्स होते हैं, ये जो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम होता है, ये उन कंपनी की तरफ से आता है जो इन म्यूज़िक के जो ओनर्स होते हैं, तो वो ही कॉपीराइट क्लेम डालते हैं, क्योंकि उनका म्यूज़िक कहीं और यूज़ हो रहा है, तो उनकी पॉपुलैरिटी कम होगी, इसलिए वो आता है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, आपको मैं टिप्स देना चाहूँगी, ये वाला जो मैंने बताया, कि आपको अगर कॉपीराइट क्लेम से, इस खतरनाक चीज़ से आपको अगर बचना है, तो आपको कॉपीराइट डिक्लेरेशन देना होगा। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट नोटिस मैंने डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिखती हूँ कॉपीराइट डिक्लेरेशन के लिए, कि ये लिखती हूँ मैं। आप देख सकते हो मेरी वीडियोस के नीचे, स्पेशली पानी दी गर्ल जो मेरा सॉन्ग था, उसके नीचे आप देख सकते हो, उस पर तो हो गए मेरे कॉपीराइट क्लेम का जो डिक्लेरेशन है, उस पर तो हो गए पक्का। और आप इसको, आपको ये लिखना है इसके ऊपर, ठीक है। आप देख लेना, मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगी पानी दिगल का, आप उस पर से कॉपी कर लेना, या तो अपने आप से भी बना के लिख सकते हो आप दूसरे चैनल से देख के। तो और दूसरा टिप्स है जो चैनल को ग्रो करने का, वो है थंबनेल। थंबनेल की मैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि थंबनेल से ही ऑडियंस आपके चैनल पे आती है या फिर आपकी वीडियो पे आती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थंबनेल होता है। अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा, तो आपकी वीडियो पे भी व्यूज़ आएंगे और आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ठीक है। और जो थंबनेल है, जैसे आप YouTube स्टूडियो पे जाते हो वीडियो का थंबनेल बदलने, तो उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए होते हैं कि आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये जो है मैं आपको बता रही हूँ, आपको वो जो 3 पिक्चर्स एग्जांपल्स देंगे, वो आपको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। आपको पहली बात, अगर आप जो वीडियो डाल रहे हो या फिर केपॉप के जो कोरियन मिक्स के ऊपर डाल रहे हो या कोपर, आपको सॉन्ग का नाम, अगर आप के पॉप का बना रहे हो, अगर आपको कोरियन मिक्स हिंदी सॉन्ग बना रहे हो, इंग्लिश सॉन्ग बना रहे हो, तो आपको उसका नाम, पिक्चर का नाम, के ड्रामा का नाम पता होना चाहिए, या फिर मूवी है तो मूवी का नाम पता होना चाहिए, ठीक है।
और आपको उस पिक्चर को क्या करना है, आपको गूगल पे डालना है उस पिक्चर का मूवी का नेम या फिर के ड्रामा का मूवी का नेम, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ऐड करना है थंबनेल फॉर यूट्यूब, ठीक है। आपको वो करोगे तो आपके पास ये HD या 180 पिक्सल्स में आपको ये सारे थंबनेल्स आ जाएंगे HD में। कुछ क्लिप्स होती हैं उनको क्लियर करके वो थंबनेल बनाए जाते हैं क्लिप्स के तौर पे, ठीक है। तो आपको वो यूज़ करनी है। और मैं आपको पहली बात बता दूँ कि थंबनेल जो होते हैं उन पर भी कॉपीराइट होता है, तो आपको कॉपीराइट डिक्लेरेशन इम्पॉर्टेंट है अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हो इन टॉपिक्स पे, ठीक है। और थर्ड टॉपिक है आपको जो टाइटल होता है वीडियो का उसके अंदर आपको इमोजीज जो होते हैं ना, जैसे फ्लावर, हार्ट, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर तभी होते हैं टाइटल क्योंकि इनके अंदर इमोजीज अच्छे यूज़ होते हैं, ठीक है। आपको इमोजीज तो पक्का ही यूज़ करने हो, और टाइटल के अंदर पहले आपको ये मेन है, ठीक है, जो टाइटल है उसके अंदर पहले आपको जो म्यूजिक का नेम है पहले आपको वो डालना है, फिर उसके बाद आपको डालना है कोरियन मिक्स हिंदी सॉन्ग अगर आप बना रहे तो वो, या तो आप इंग्लिश बना रहे तो कोरियन मिक्स इंग्लिश सॉन्ग, ठीक है। उसके बाद जो स्टोरी के अंदर सीन्स हैं और वो किस बारे में है मूवी या के ड्रामा, आपको उसके बारे में लिखेगा। जैसे कि ये मेरा आशिकी 2 मैशअप था और मैंने फिर इसके बाद लिखा था अ वुल्फ गर्ल फॉल इन लव विद अ साइंटिस्ट, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये ही हुआ था और इस मूवी के अंदर, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कोरियन मिक्स हिंदी सॉन्ग या कोरियन मिक्स इंग्लिश सॉन्ग, आपको ये लिखना है और उसके अंदर आपको उसी टाइटल के बीच में इमोजीज यूज करने हैं, ठीक है। और आपको छोटा ही लिखना है टाइटल, ठीक है, नहीं तो फिर वो वर्ड्स की कमी की वजह से यूट्यूब वो आगे आपको टाइपिंग नहीं करने देगा जैसे आप अपलोड करते हो, ठीक है। और फोर्थ टिप है आपको एक टाइम बना लेना है अपनी वीडियो अपलोड करने का, ठीक है आपको एक वीडियो टाइम अपलोड करने का बनाना होगा कि आप किस दिन वीडियो अपलोड करोगे। जैसे कि आपने संडे ले लिया तो आपको संडे को 12 से 1 बजे के बीच में आपको वो वीडियो लगानी ही, अपलोड ही करनी है, ठीक है, जिससे आपकी ऑडियंस आपके साथ हर टाइम कनेक्टेड रहेगी, उन्हें पता रहेगा कि आपकी वीडियो कब अपलोड होगी, तो उस वीडियो पे जल्द से जल्द वीडियोस पे व्यूज भी आएंगे और सब्सक्राइबर्स भी धीरे धीरे आएंगे, सब्सक्राइबर्स एकदम से नहीं बढ़ेंगे, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। और जो 1.1 के जो व्यूज अगर आपके आ जाते हैं तो आपको फिर तो और सीरियसली लेना है अपने चैनल को, अगर आपके होने भी वाले बन के तब भी आपको सीरियस लेना, अगर नहीं है तब भी आपको सीरियस होना है, ठीक है। जो मैंने आपको टिप्स बताएं ये आपको समझ आ गए। इसके बाद मैं आपको फोर्थ टिप बताऊंगी। फोर्थ टिप है शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है। आपको यूट्यूब शॉर्ट्स भी बनाने हैं, के ड्रामा के कुछ सीन्स की क्लिप्स लेके अगर आप बनाओगे तो और भी अच्छा लगेगा। और सबसे पहली बात, आपको किसी गाने की कॉपी नहीं करनी है। अगर आप बिगेनर्स हो तो कर सकते हो क्योंकि आप इतनी जल्दी नहीं आएगा आपको समझ, 1-2 वीडियोस का हो सकता है, पर ऑडियंस को पसंद होता है कुछ नया। जैसे कि अगर आप कोई सा भी यूट्यूब चैनल उठा लो आप, उनके ऊपर नया कंटेंट ही मिलेगा आपको, ठीक है। और यूट्यूब शॉर्ट्स का जो मैंने आपको बताया वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपको यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने चाहिए। या तो आपका BTS से रिलेटेड है तो आपको BTS की जो क्लिप्स होते हैं, रन BTS का जो एपिसोड आता है उनके अंदर से कुछ आपको क्लिप्स लगा के आप कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने बनाई थी वीडियोस, आप देख सकते हैं शॉर्ट्स मैंने अभी डाले हैं, ठीक है। आप ऐसे बना के वीडियो डालोगे तो शॉर्ट्स से सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं क्योंकि शॉर्ट्स सबसे ज़्यादा व्यूज़ देखते हैं, ठीक है। और फिफ्थ आपका टिप है, आपको चैनल को थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा। जैसे कि ये थंबनेल बैनर हो गया, आपकी जो प्रोफाइल फोटो है वो ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, या तो जिसका आपका चैनल बना रहे हो उससे रिलेटेड आपका कोई के ड्रामा एक्टर या फिर मूवी एक्टर, ठीक है। और सिक्स टिप है आप इसका चैनल का, कि अगर आप अपनी खुद की वीडियोज़ बना रहे हो, कॉपी कर रहे हो तब तो नहीं, अगर आप अपनी खुद की वीडियोज़ बना रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको उसके अंदर एक अपना मार्क लगाना है वीडियो के अंदर जब आप अपलोड करोगे। मार्क मतलब जैसे कि आपका एक साइन होता है ना, जैसे आपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी देखा होगा, जैसे शिमरिंग सेंस फेमस चैनल है कोरियन मिक्स हिंदी सॉन्ग का, तो आप उसको ही देख लो, तो जब उनकी वीडियो शुरू होती है तो उनके शिमरिंग सेंस का लास्ट में लगा हुआ आता है, ठीक है। तो आपको जैसे सिमरिंग सेंस मैंने आपको बताया, तो आपको वैसे ही चीज़ें, आपको वैसा ही मार्क तैयार करना है अगर आप अपना ओन कर रहे हो। अगर आप किसी का कॉपी कर रहे हो
तो उसके अंदर आपको नहीं लगाना, क्योंकि उनका पहले से ही लगा होगा और फिर ऑडियंस को लगेगा कि आप किसी की कॉपी कर रहे हो। तो ये 5 टिप्स बहुत हैं एक चैनल को ग्रो करने के लिए, ये सब मैंने किया है। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना। मैं हर संडे को 12 से 11 के बीच में अपलोड करती हूँ वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।